विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हम संविधान के भाग 11 और भाग 12 में पहुंच चुके हैं। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ना है या संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले केंद्र और राज्यों के बीच में जब हम संबंध पढ़ेंगे तो आपने पहले बेयर एक्ट में जाना है, संविधान के भाग 11 में जाएंगे, अध्याय 1 में जाएंगे, ठीक है। तीन तरह के संबंध होते हैं संघ और राज्यों के बीच में। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है विधायी संबंध, तो भाग 11 के अध्याय 1 में मिलेंगे विधायी संबंध, जो कि आर्टिकल 245 से लेके और 255 तक होंगे। कहाँ तक होंगे? आर्टिकल 245 से 255 तक। उसके बाद फिर आप प्रशासनिक संबंध में जाएंगे। दूसरे प्रकार के संबंध जो होते हैं वो होते हैं प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, वो आप अध्याय 2 में जाएंगे। संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 में जाएंगे, आर्टिकल 256 से 263 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक? मतलब इसके बीच में मिलेंगे आपको प्रशासनिक संबंध। तीसरा प्रकार का जो संबंध होता है केंद्र और राज्यों के बीच में वो होता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध के लिए आपको संविधान के भाग 12 में जाना पड़ेगा। तो संविधान का भाग 12 तो काफ़ी बड़ा है, वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद। अगर हम बोले हैं कि भाग 12 में क्या है तो वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद यानी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। तो इसमें ये आर्टिकल 264 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है आपका? आर्टिकल 300A तक जा रहा है। लेकिन हमने इतना नहीं पढ़ना है। केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध मिलेंगे आपको वो कुछ आर्टिकल्स के बीच में मिलेंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मतलब संविधान के भाग 12 अध्याय 1। अध्याय 1 में वित्त मतलब फाइनेंस, और उसमें भी आपने आर्टिकल 268 से स्टार्ट करना है जब वो बोलता है कि संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, ठीक है। तो बेरेक में देखते रहें आर्टिकल 268 से लेकर आर्टिकल 281 तक आपने क्या करना है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या करना कि बेयर एक्ट में जितने भी आर्टिकल हैं ये 245, 246, 246A, 247, 248, इसकी सिर्फ हेडिंग याद करनी है आपने। क्या करनी है? पहले सिर्फ हेडिंग याद करनी है। कई बार इतने से ही काम चल जाता है। जैसे 246A है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। माल और सेवा कर के संबंध में, अब माल और सेवा कर क्या होता है? इसको आम भाषा में आप GST बोलते हो। क्या बोलते हो? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यही पूछ लेगा कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया इसको। किससे जोड़ा गया? तो मैंने कहा पहले इसको क्या करना है, आपने सिर्फ हेडिंग याद करनी है। फिर क्या कर रहे होंगे, जब हम ये पढ़ रहे होंगे केंद्र राज्य विधायी संबंध पढ़ रहे होंगे यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ रहे होंगे केंद्र राज्य के बीच में, तो आपके पास कुछ आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे। जैसे 249 हो गया, 250 हो गया, 252 हो गया, 253 हो गया। इन चार आर्टिकल्स को मिलाकर आपने मेंस का आंसर लिखना होता है। क्या लिखते हैं? तो ये समझ लीजिए कि भाग 11 और भाग 12 अब तक जितना पढ़ा है मूल अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्व के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? दरअसल यहां से तीन क्वेश्चन बड़े बनते हैं। तीन बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं आपने। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 16-16 नंबर के तीन क्वेश्चन मिलते हैं, केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, UPSC के लिए भी और PCS के लिए भी। समझ में आ गया? तो बड़ी बारीकी से पढ़ना है। मैं आर्टिकल्स नहीं बोल रहा हूँ, आप समझदार हैं, खुद ही आप हेडिंग्स याद करेंगे इसकी 245 से लेकर 263 तक और फिर 264 से लेकर कहाँ तक? 300A तक। मैंने कहा 300A तक सारे आर्टिकल नहीं आने काम आपके, कुछ आर्टिकल्स काम आएंगे लेकिन हेडिंग सबकी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, संविधान के केंद्र राज्य संबंध यानी संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ आर्टिकल 1 में, ठीक है। तो राज्यों का एक संघ है। कई बार तो UPSC ने इतना ही क्वेश्चन पूछा है कि भारत अर्थात इंडिया, डैश करके चार ऑप्शन दिए, आपने बोलना राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अतः भारत में मूलतः संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। किसको?
संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है, क्योंकि भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया। संघीय शासन प्रणाली की सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक विशेषता है वो क्या है, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में, या संघ और राज्यों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। क्लियर हो गया? ठीक है। तो संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, किंतु भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? ठीक है, यद्यपि हम कहां पर लगाते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन भारत के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या लिखा हुआ? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। इसका कारण यह है कि भारतीय संघ संगठक इकाइयों के मध्य किसी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सृजन स्वयं संविधान द्वारा किया गया है। ये कथन कारण में क्वेश्चन पूछता है, किसमें? कथन कारण समझते हैं। वो बोलेगा कि क्या, कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन इसके लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो कथन हो गया। कारण में देगा वो आपसे कि भारतीय संघ संगठक इकाइयों के मध्य किसी संविदा, संविदा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, संविदा किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका सृजन स्वयं संविधान द्वारा किया गया है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, है ना? अलगाववाद है ना, अलगाववादी होते हैं कुछ देश के अंदर, वो क्या चाहते हैं, वो अलग देश चाहते हैं। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इतना समझ में आया? तो मैंने कहा यहाँ तक देगा वो आपको, कथन देगा, फिर कारण देगा। आपने बोलना है एसर्शन और रीजन बोलते हैं इसको, आपने बोलना है एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं टैकल करने में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए इसको 3-4 बार पढ़िए जो मैं बता रहा हूँ। फिर पूछेगा, एक सिंगल क्वेश्चन पूछता है कि भारत की संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपने बोलना कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संघीय प्रणाली, भारत की जो संघीय प्रणाली है किस देश के संविधान से प्रेरित है, आंसर कनाडा के संविधान से प्रेरित है। फिर कनाडा के समान ही भारत में भी संघ और राज्यों की शक्तियों को का संविधान द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है, और अवशिष्ट शक्तियां जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं वो संघ को प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई है? बची खुची अवशिष्ट, बचा खुचा मतलब, ठीक है, कुछ केंद्र के पास है, कुछ राज्यों के पास है, कुछ केंद्र और राज्य दोनों के पास है, चलती केंद्र की है, लेकिन मैंने कहा कुछ बचे हुए भी तो हैं, तो जो बची हुई हैं उनको बोलते हैं रेजिडुअरी पावर्स। वो किसमें है? संघ को प्रदान किया गया है। किसको? और एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। किसके पक्ष में झुका हुआ है? संघात्मक शासन प्रणाली, लेकिन क्या, केंद्र के पक्ष में। भाई जैसे दो रोटियां हैं ना, आप दो लोग हो, माने केंद्र है एक राज्य है, दोनों में बांट दिया, लेकिन कई जगह पर कुछ आर्टिकल्स ऐसे दिखेंगे कि आपकी जो केंद्र है वो आपकी रोटी में से क्या करेगा, तो ताकत किसके पास ज़्यादा हो गई, केंद्र के पास ज़्यादा हो गई। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को प्रदान की गई है, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, और आपात के दौरान, एमरजेंसी के दौरान, संविधान का जब भाग 18 पढ़ रहे होंगे ना आप, तो 352 से 360 के बीच में जब आर्टिकल पढ़ेंगे और जब केंद्र की शक्तियां देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा आपके कि केंद्र बहुत शक्तिशाली रहता किस समय, आपातकाल के समय में। वही बता रहा है कि आपात के दौरान तो यह एक प्रकार के एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। कैसा? एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। क्या है? उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। भारतीय संविधान द्वारा विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसा कि
प्रारंभ में ही मैंने बताया आपको कि जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे होंगे तो तीन प्रकार के संबंध पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, विधायी संबंध पढ़ना है यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ने हैं, जो कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में मिलेंगे आपको। फिर दूसरे नंबर पर आपने क्या बताया था मैंने, प्रशासनिक संबंध पढ़ने हैं केंद्र राज्य के बीच में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ने हैं, जो कि आर्टिकल 256 से 263 के बीच में मिलेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ना है, वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध आपको संविधान के भाग 11 में नहीं मिलेंगे, भाग 12 में जाना पड़ेगा आपको। कहाँ जाना पड़ेगा, भाग 12 में भी अध्याय एक में, वो भी 264 से शुरू नहीं करना है आपने। कहाँ से करना शुरू, 268 से, संघ और राज्यों के बीच जब राजस्व के वितरण की बात करेगा वहां से और आर्टिकल 281 तक। समझ में आया, तो तीन प्रकार के संबंध हो गए आपके, कौन कौन से, विधायी संबंध, थोड़ा आंग्ल भाषा में भी बोलिए, विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरे प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और तीसरे वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले विधायी संबंध, सबसे पहले तो लिख दीजिए भाई कि अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो खाली प्री के लिए मत कीजिए, अभी से मेंस को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो केंद्र राज्य विधायी संबंध इस पे लिख दीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कितने का, 16 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कैसे लिखना है, क्या क्या आएगा इसके अंदर, प्री में कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो बता रहा हूँ। संघ और राज्यों के मध्य विधायी व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 अध्याय 1, संविधान के पार्ट 11 चैप्टर 1 आर्टिकल 245 से 255, बड़ा आसान है याद करना, 245 से 255 में दिया गया है। आर्टिकल 245 तथा 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, जबकि आर्टिकल 247 के तहत, मैंने कहा ना जो आपको हेडिंग याद करनी है वो आपको यहाँ पे लिखने में काम आएगी, बेयर एक्ट की 245, 246, 247 हेडिंग अगर आपने याद कर ली तो आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी क्या करने के लिए, लिखने के लिए। तो मैंने कहा जैसे 245 और 246 केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जबकि आर्टिकल 247 के तहत संसद को क्या, संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के संदर्भ में दक्ष प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनेगा। संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान कहाँ पर है, आर्टिकल 248 में है, कहाँ पर है, आर्टिकल 248 में है। फिर आर्टिकल, मैंने कहा जो मेन आर्टिकल आपने याद रखने हैं वो रखने हैं आर्टिकल 249, 250, 252, 51 नहीं, 52 और 53 के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान किया गया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, मैंने कहा ये संघ हैं आप राज्य हो, दोनों के बीच में क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया शक्तियों का, शक्ति को मैं रोटी के रूप में ले रहा हूँ, एक रोटी आपको दे दी, ये कहा भाई ये संघ आपकी रोटी है, बड़ी वाली रोटी, और एक थोड़ा छोटी रोटी जो है वो किसको दे दी, हमने राज्यों को दे दी, हमने कहा अपना अपना खाओ। लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती, दिक्कत मतलब जो पढ़ना है हमने, वो ये पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पर आपको अधिकार है कि आप उन राज्य के टुकड़ा निकाल सकें और उसको खा सकें और ये बोल सकें कि मेरा अधिकार है, क्या है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, 249, 250, 252 और 253 में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो विधायी शक्तियों का विभाजन भाई किसका, भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन दो आधारों पर किया गया है। सबसे पहले आपने दो आधार पढ़ने हैं, और मुख्य परीक्षा में भी ऐसा ही लिखा जाता है, जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो दो आधार लिखने हैं। पहला आधार है राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी के आधार पर, यह है 245 में इसमें, और दूसरा है विषयों यानी मैटर्स के आधार पर, वो लिखा हुआ 246 में। तो राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी के आधार पर 245 में, विषयों यानी मैटर्स के आधार पर आर्टिकल 246 में, ठीक है। तो पहला विभाजन हम देखते हैं किसके आधार पर, राज्य क्षेत्र के आधार पर देखते हैं, किसके क्षेत्र के आधार पर, राज्य क्षेत्र के
आधार पर, यानी टेरिटरी के आधार पर 245 के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 245 संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है। इसमें यह बताया गया है कि संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र, याद करते हुए चलें जो मैं बोल रहा हूँ, संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। संसद क्या बोला मैं? संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि, विधि मतलब लॉ, बना सकती है तथा किसी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है भाई, राज्य विधानमंडल जो होगा वो अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण करेगा, संसद क्योंकि केंद्र में है वो संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण करेगी। सिंपल लाइन है, भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई ऐसा भाग जो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? माना वैसे तो ऐसा कोई है नहीं मैप में ऐसा कोई राज्य क्षेत्र जो क्या ना हो, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ना आता हो, तो भारतीय राज्य क्षेत्र का ऐसा कोई भाग जो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया, आर्टिकल 246 के 4 में कहा गया है। कहाँ गया, कहाँ कहा गया है? 246 के 4 में। इस प्रकार अवशिष्ट शक्ति या इस प्रकार अवशिष्ट यानी रेजिडुअरी राज्य क्षेत्र के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। सिंगल क्वेश्चन बना देगा वो बोलेगा कि अवशिष्ट यानी रेजिडुअरी राज्य क्षेत्र के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको है? आंसर संसद को है। ऑप्शन देगा वो वहां पर, राष्ट्रपति देगा, संसद देगा, है ना, और क्या कुछ भी दे सकता है, तो आपने याद रखना संसद को है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 245 2 में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य यानी इनवैलिड नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रवर्तन होगा। इस प्रकार संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, परंतु राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन नहीं होता है। क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत इसका एक अपवाद है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, वो पूछेगा क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत क्या होता है। क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। क्या बोलेगा? टेरिटोरियल नेक्सस। अच्छा, जो इसने शब्द प्रयोग किया अभी राज्य क्षेत्रातीत यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रवर्तन होगी, अभी जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 245(2) में कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रवर्तन होगा। इस प्रकार संसद द्वारा बनाई गई विधियों का न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होती है। जब तक आप भारतीय नागरिक हो, आप विश्व के किसी भी कोने में हो, अलास्का में बैठे हो, यहाँ कहाँ बैठे हो, 49th स्टेट ऑफ USA में बैठे हो, तो भी आप पर वो विधि क्या होगी? लागू होगी। समझ में आया? कौन सा बोल रहा है? आर्टिकल 245(2) बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि भारत में, न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। लेकिन अगर हम राज्य विधानमंडलों की बात करें तो राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन नहीं होता है, यानी सिर्फ अपने राज्य के अंदर ही होता है। लेकिन उसका फिर एक अपवाद है, क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। कभी कभी क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, दोनों सहमति से एक कानून बना देते हैं, बोलते हैं भाई मेरा कानून वैसे तो क्या है कि सिर्फ अपने राज्य के अंदर लगना चाहिए, लेकिन एक पार्ट ऐसा हो सकता है या एक कोई खास वजह ऐसी हो सकती है कि दोनों पर क्या होता हो, लागू होता हो, उसी को बोलते हैं क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत। क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में लग सकता है, उत्तराखंड हिमाचल में लग सकता है, उत्तराखंड तमिलनाडु में नहीं लग सकता। किसमें नहीं लग सकता? अरे भैया ऐसा होता ना, सीमाओं पर माना हो सकता है सड़क एक हो सकता है, नहर एक ही नहर से क्या हो रहा हो, सिंचाई हो रही हो,
कुछ ना कुछ मतलब आपस में नहीं होता, पड़ोस। तो क्षेत्रीय समीपता का सिद्धांत हमेशा ऐसे राज्यों पर लगेगा जो अगल बगल है, उस पर नहीं लगेगा। मेरे उत्तराखंड और केरला पर नहीं लगेगा, उत्तराखंड तमिलनाडु पर नहीं लगेगा। हाँ, तमिलनाडु केरल पर एक साथ लग सकता है। समझ में आया? तो ये क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में पूछेगा आपसे, क्षेत्रीय सामीप्यता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसको भी आपने मेंस के हिसाब से ही तैयार करना, प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सामान्य नियम यह है कि किसी राज्य का विधानमंडल अपने राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। नियम तो यह है, अभी ऊपर पढ़ा हमने, ठीक है। वह अपने राज्य के बाहर के किसी क्षेत्र अर्थात किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण नहीं कर सकता। भाई उत्तराखंड की विधानमंडल, उत्तराखंड की विधानसभा उत्तर प्रदेश के लिए थोड़े कानून बना सकती है। लेकिन इस सामान्य नियम का एक अपवाद है जिसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में लागू हो सकती है यदि उस विधि को बनाने वाले राज्य तथा विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। क्या हो? वास्तविक संबंध हो। इसे ही क्षेत्रीय संबद्धता या सामीप्यता का सिद्धांत कहा जाता है। इतना ही लिखना होता है। कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा विषय हो सकता है विशेष, जिस पर कि मेरे उत्तराखंड के द्वारा बनाई गई विधि उत्तर प्रदेश के भी किसी भाग पर क्या होती हो, लागू होती हो। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगला, विषयों के आधार पर विभाजन। हमने कहा जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे तो दो पर पढ़ रहे थे, कौन कौन से? एक हमने राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी के आधार पर पढ़ा था विधायी शक्तियों का विभाजन, दूसरा हम पढ़ रहे हैं किसके, विषयों यानी मैटर्स के आधार पर विभाजन पढ़ रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए किसके, विषयों के आधार पर विभाजन। ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ढंग से लिखना होता है। पहले पार्ट को अगर आपने कम भी लिख दिया चल जाता है, लेकिन इसको ढंग से लिखना आपने, क्योंकि इस पर चार आर्टिकल आपके क्या करेंगे, चार आर्टिकल क्या करेंगे भाई, तय करेंगे। क्या तय करेंगे? कि कितने नंबर खींचते हो आप, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना नहीं लिखना होता है, कम लिखना होता है, कटिंग करनी होती है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। विषयों के आधार पर विभाजन, संघीय संविधान में विषयों के आधार पर भी विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाता है, यद्यपि देश की स्थानीय एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार यह शक्ति विभाजन भिन्न भिन्न हो सकता है। यथा अमेरिका के संविधान में सिर्फ केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स राज्यों को प्रदान की गई हैं। हमारे देश में रेजिडुअरी पावर्स केंद्र के पास है, लेकिन अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहां पर रेजिडुअरी पावर्स जो है वो स्टेट्स के पास है। किसके पास है? कनाडा के संविधान में संघ और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कनाडा में शायद किसके पास है? केंद्र के पास है। लेकिन यूएसए में जो शक्ति, जो रेजिडुअरी पावर्स है वो किसके पास है? राज्यों के पास है। भारत में केंद्र के पास है, इसीलिए शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई। विधायी विषयों की दो सूचियों यथा संघ सूची और राज्य सूची में रखा गया है, तथा अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को प्रदान की गई हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अभिनव प्रयोग हुआ और विधायी विषयों को तीन सूचियों यथा संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ति सूची में वर्गीकृत किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में वर्गीकृत किया गया। भारत के संविधान में इस अधिनियम के तीन सूचियों वाली प्रणाली को अपनाया गया है। कितनी? तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों को तीन सूचियों में यथा संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और तीसरी समवर्ति सूची में विभाजित किया गया है। अवशिष्ट विषय यानी रेजिडुअरी मैटर संघ को प्रदान किया गया है। आर्टिकल 246 संसद और राज्य विधानमंडलों की इन विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 246 संसद और राज्य विधानमंडलों की इन विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार संघ सूची में वर्णित विषयों पर, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सुनना शुरू करना आपने, संघ सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको? राज्य विधानमंडल को है, ठीक है। समवर्ति सूची में वर्णित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं, लेकिन साथ में आपने ये भी पढ़ा है कि अगर राज्य द्वारा बनाई गई विधि केंद्र द्वारा बनाई गई विधि से टकरा जाती है, किस पर? समवर्ति सूची के किसी विषय पर, तो चलती केंद्र की है। क्या चलती है? ठीक है।
समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं। संविधान में 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 246 क जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? आर्टिकल 246 क के अंतर्गत संसद को संघ द्वारा या राज्य द्वारा अधिरोपित माल एवं सेवा कर यानी GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट विषयों का विधि बनाने का अधिकार किसको? संसद को दिया गया है। अब फिर दोबारा बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके बेरेक के क्या नहीं पढ़ोगे, आर्टिकल याद नहीं करोगे। जैसे अभी हमने बोला अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। कहाँ पर लिखा हुआ? आर्टिकल 248 में लिखा हुआ। कहाँ पर लिखा हुआ? 248 में लिखा हुआ। अभी 246 जब मैं बोल रहा था, एक्सप्लेन किया मैंने, तो 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि के विषय वस्तु। यानी आर्टिकल एक बार अगर याद हो गया तो ये थ्योरी जो आपको टफ लग रही होगी वो आसान हो जाएगी अपने आप। सबसे पहले आर्टिकल याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब जी संघ सूची, अनुसूची 7 की सूची 1, 7वीं अनुसूची में जो सूची 1 है उसको क्या बोलते हैं? संघ सूची बोलते हैं। इसमें साधारणतः राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। किसको रखा गया है? राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस सूची में मूलतः 97 विषय थे। कितने? 97 विषय थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 2 का 6 संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा प्रविष्टि 92 का और 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा प्रविष्टि 92 ख को जोड़ा गया तथा 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 और 101वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का लोप कर दिया गया। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में संघ सूची की गणना की दृष्टि से कितने विषय हैं भाई? कितने विषय हैं? 98 विषय। ये घटते बढ़ते रहेंगे। इस समय कितने? 100 हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये बता रहा है कि 98 विषय हैं। इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार अंतिम रूप से संसद को प्रदान किया गया। अब आप कहाँ घबरा गए होंगे? प्रविष्टि संख्या। प्रविष्टि बोलते हैं नंबर को। किसको बोलते हैं? डायरेक्ट में जाइए, संघ सूची में, मतलब 7वीं अनुसूची की कौन सी? संघ सूची में जाइए। कहाँ जाइए? डायरेक्ट के पीछे जाइए, पलटिए पलटिए भाई, 7वीं अनुसूची में आइए, है ना। जब आप 7वीं अनुसूची में आए, आर्टिकल 246 के साथ मिलकर पढ़ना है इसको, संघ सूची में आए, संघ सूची में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेकर कहां तक लिखे हुए भाई? लास्ट नंबर बताओ मुझे। हाँ जी, 97। कितने? इन नंबर को ही प्रविष्टि बोल, मतलब इन नंबरों के अंदर जो लिखा रहता है ना, बोलते हैं प्रविष्टि संख्या 1 पर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अगर मैं यूनियन लिस्ट की प्रविष्टि संख्या 1 पढ़ूं तो भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य जो युद्ध और समय, युद्ध के समय, युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात प्रभावी सैन्य नियोजन में सहायक होंगे। प्रविष्टि संख्या 2, नौसेना, सेना, वायुसेना, संघ के अन्य सशस्त्र बल। अरे भाई, सेना इंपॉर्टेंट है देश के लिए कि नहीं है? ठीक है, नौसेना इंपॉर्टेंट है, आयुध इंपॉर्टेंट है, आर्म्स इंपॉर्टेंट है, फायर आर्म्स इंपॉर्टेंट है, एमुनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोजिव इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आयुध, अग्नायुद्ध, गोला बारूद, विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा इंपॉर्टेंट है देश के लिए? इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय आसूचना अन्वेषण ब्यूरो, प्रविष्टि संख्या 8 पर देखिए, 12वां, प्रविष्टि संख्या 12 पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये आपको मेन याद करनी है, ये प्री में क्वेश्चन बनेंगे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, कौन नहीं है। तो मोटे मोटे याद करने पड़ते हैं इसमें। तो जब हम देख रहे हैं तो मैंने यही बोला आपको कि इसमें साधारणतः राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। किसको रखा गया है? राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस सूची में मूलतः कितने विषय थे? 97 थे। प्रविष्टि संख्या आज भी कितनी है? लास्ट प्रविष्टि संख्या क्या? 97 ही है। खाली क्या कर दिया गया? क, ख, ग। अगर आप इसके साथ जोड़ेंगे तो बता रहे हैं कि 100, और कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ? घटते बढ़ते रहते हैं, मैंने कहा
चेक कर लेना, 98 बता रहा है, 98 विषय। दरअसल एक 101वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रविष्टि संख्या 92 का लोप किया गया ना, तो संघ सूची में बता रहा गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से 98 सब्जेक्ट हैं। कितने? अब है भाई राज्य सूची, कौन है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, तो सातवीं अनुसूची की सूची दो को राज्य सूची कहा जाता है। स्थानीय महत्व, किसके स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषयों को इस सूची में रखा गया है। इस सूची में मूल रूप से कुल 66 प्रविष्टियां थी। कितनी? जैसे वहां पर 97 प्रविष्टियां थी, वैसे यहां पर क्या है 66 प्रविष्टियां थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी है ये बता दो मुझे। हाँ जी, पक्का? ठीक है। अब राज्य सूची में क्या होता है? राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जैसे प्रविष्टि संख्या एक पर लोक व्यवस्था है, प्रविष्टि संख्या चार में कारागार है, सुधारालय है, प्रविष्टि संख्या छह में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है ना, और प्रविष्टि संख्या सात में भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं हैं, नौ में, दस में शव गाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान वगैरह ये सब चीजें हैं। ठीक है, राज्य सूची। 16 नंबर पे कांजी हाउस है, 21 में मत्स्यकी है, मत्स्यकी मतलब फिशरीज है ना, 25 में क्या गैस और गैस संकर्म है। तो इस तरह की प्रविष्टियां पढ़नी है आपने, ये भी याद करनी पड़ेंगी आपको कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषयों को इस सूची में रखा गया है। इस सूची में मूल रूप से कुल 66 प्रविष्टियां थी, किंतु सातवें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि संख्या 36, प्रविष्टि संख्या 36, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20 और 29 तथा 101वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि संख्या 52 एवं 55 का लोप कर दिया गया। अतः वर्तमान में गणना की दृष्टि से इस सूची में कुल 59 विषय बता रहा है। आप 61 बता रहे हो, किताब अभी 59 विषय बता रही है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, 61 नेट पे 61 बता रहा है, किताब 59 बता रही है, तो मैंने कहा घटते बढ़ते रहेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यद्यपि अंतिम प्रविष्टि का जो संख्यांक है वो क्या 66 ही है, लास्ट नंबर जो है आज भी 66 है। जिन चीज का लोप होता है उसमें बीच में क्या बोलते हैं, लोप कर दिया गया, इतना लिख देते हैं। ठीक है, इस सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार क्या है, राज्य विधानमंडल को है, यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर विधि बना सकती है। अब तीसरी है संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, अनुसूची सात की सूची तीन को संवर्ती सूची कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है, राष्ट्रीय और भाई शिक्षा है, जैसे शिक्षा क्या है संवर्ती सूची का विषय है, किसका, राष्ट्र के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी जरूरी है ना, तो राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है। भारतीय संविधान में इस सूची का समावेश ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया। संवर्ती सूची कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हमने, कहाँ से ली, भारत में इस सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, भारत में इस सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में कन्फ्लिक्ट अगर हो जाए, विरोध अगर हो जाए, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होगी और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 254 में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 254 में। यदि ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाता है तथा उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है तो विधि संबंधित राज्य में प्रभावी होगी, आर्टिकल 254 के 2 में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ। संवर्ती सूची में मूल रूप से 47 प्रविष्टियां थी, 47 नंबर थे पड़े हुए, आज भी 47 ही है, लेकिन मैंने कहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 5 और प्रविष्टि यथा 1, 11 का न्याय प्रशासन, 17 का वन्य जीव जीव जंतु और पक्षियों का रक्षण, 33 का बाट माप, 20 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जोड़ा गया,
इस प्रकार गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल कितनी प्रविष्टियां भाई? 52 प्रविष्टियां हैं, यद्यपि अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक जो है वो 47 ही है, लास्ट नंबर जो है वो कितना है 47 ही है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को प्रविष्टि संख्या 25 के तहत प्रतिस्थापित करके समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि शिक्षा किस सूची में आता है, आंसर समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। प्रविष्टि संख्या क्या है? आंसर 25 है। प्रविष्टि संख्या क्या है? 25 है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। पहले कहाँ था शिक्षा? राज्य सूची का विषय था। कहाँ था? राज्य सूची का विषय था। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शिक्षा को क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। संविधान संशोधन करना पड़ता है संघ सूची के किसी विषय को अगर राज्य सूची में डालना है, राज्य सूची के किसी विषय को अगर समवर्ती सूची में डालना है, तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स टू लेजिस्लेशंस, आर्टिकल 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है, या अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के तहत नहीं किया गया है। भाई संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, 97 नंबर संघ सूची में है, 66 ही है राज्य सूची में, और 47 नंबर किस में पड़े हुए समवर्ती, और कोई विषय इसमें कहीं नहीं है, वो किस में आएगा? अवशिष्ट में आएगा। किस में आएगा? तो भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, जबकि कनाडा में यह शक्ति किसके पास है? संघ के पास है। और हमारे देश में भी जो अवशिष्ट शक्ति है वो किसके पास है? संघ के पास है, केंद्र के पास है। संघ और केंद्र क्या होता है? एक ही बात हो गई है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित की गई हैं, निहित की गई थी, सॉरी, किसमें? गवर्नर जनरल में निहित की गई थी। सूची एक संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 तथा आर्टिकल 248 को प्रभावी करती है। संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97, जाएं जरा क्या लिखा हुआ प्रविष्टि संख्या 97 में, चेक करो, ये लिखा हुआ कि जो इस सूची में नहीं है या जो किसी सूची में नहीं है उस पर, इसी सूची में मतलब कानून कौन बनाएगा उस पर? केंद्र बनाएगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ, कोई अन्य विषय जो सूची 2 और 3 में प्रगणित नहीं है, सूची 2 मतलब राज्य सूची और सूची 3 मतलब समवर्ती सूची में प्रगणित नहीं है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है, तो उसके विषय में क्या करता है वो? तो ये क्या कर रहा है, आर्टिकल सूची एक संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97 आर्टिकल 248 को प्रभावी करती है, और 248 क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्ति है। आर्टिकल 248 क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्ति है। प्रविष्टि 97 के अनुसार कोई अन्य विषय जो सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित नहीं है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत? इसी प्रकार आर्टिकल 246(4) के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, विधि बनाने का अधिकार भी संसद को है, विषय चाहे किसी भी सूची का हो, विषय चाहे किसी भी सूची का हो। मैंने कहा कटिंग करनी होती, इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता है, 250 शब्द लिखने होते हैं, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अब समाप्त हो गया तो वहाँ तक सिर्फ आपका केंद्र राज्य विधायी संबंध चल रहा है। क्या चल रहा है? थोड़ा थोड़ा उठाकर देना होता है, क्या करना होता है? थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। तो राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति, अब यहां से क्या होता है इंपॉर्टेंट, मतलब आपने ऊपर भले ही आप कटिंग कर दो लेकिन अब इस पर कटिंग नहीं करनी है, इस पर कटिंग करनी है पर इसको थोड़ा समझाकर लिखना है, तब नंबर मिलेगा आपको मेंस में, ठीक है। संविधान के कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो नंबर एक है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल
दूसरा है आपातकाल की उद्घोषणा, दूसरा क्या है आपातकाल की उद्घोषणा, तीसरा है राज्यों की सहमति, तीसरा क्या है राज्यों की सहमति कंसेंट ऑफ स्टेट्स, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार। और इसमें चार आर्टिकल आपने पढ़ने हैं, क्या करने हैं चार आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252 और आर्टिकल 253। मेन यही है निचोड़ अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित भाई आर्टिकल 249 के अनुसार क्या, आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची का अमुक विषय या कोई विषय राष्ट्रीय हित का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अर्थात उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। भाई राज्यसभा ने क्या किया, अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया कि राज्य सूची का कोई विषय जो है वो राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है। तो अधिकार किसको मिल गया कानून बनाने का राज्य सूची के उस विषय पर, संसद को। अब संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या बहुत लंबे समय तक रहेगा, अनंत समय तक रहेगा, नहीं अभी नहीं बोल सकते, बोला एक साल तक रहेगा। कितना, एक साल तक रहेगा, क्योंकि जो यहां पर ये शब्द का प्रयोग किया ना इसने, कौन सा, कि राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा, फिर क्या करेगा, एक साल बाद फिर राज्यसभा क्या कर सकती है, दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसी अमुक जो अमुक विषय था उसको फिर दोबारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। फिर संसद को अधिकार मिल गया, फिर संसद ने कानून बनाया, फिर एक साल तक वो कानून रहा, अगले साल फिर राज्यसभा ने अपने उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को दो तिहाई बहुमत से क्या कर दिया राष्ट्रीय महत्व का। तो अनंत समय तक राज्यसभा क्या कर सकती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है, संसद को, क्या बोलकर कि राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है। समझ में आ गया, कौन, राज्य सूची के किसी विषय को, राज्य सूची के किसी विषय को, समझ में आ गया। तो लिख रहा भाई राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा, परंतु राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रत्येक बार इसे एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकती है, परंतु इस प्रकार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि संकल्प के प्रवृत्त न रहने पर 6 माह की समाप्ति पर प्रवृत्त में नहीं रहेगी। समझ में आ गया। दूसरा है आपातकाल की उद्घोषणा, दूसरा क्या है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 250 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, किंतु संसद द्वारा इस प्रकार राज्य सूची के विषयों पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगा। जैसे ही आपातकाल को समाप्त की घोषणा की जाती है उसके 6 माह के बाद प्रवर्तन में नहीं रहेगा। आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 की किसी बात से, आर्टिकल 249 आर्टिकल 250 की किसी बात से राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त नहीं होती है, किंतु यदि उसके द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध हो तो संसद की विधि अभिभावी हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिभावी हो जाती है, प्रिवेल हो जाती है, तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक तब तक अप्रवर्तनीय यानी इनऑपरेटिव होती है जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। आर्टिकल 251 में लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ, ठीक है भाई। अगला जो मैंने बताया था आपको राज्यों की सहमति, राज्यों की सहमति यानी कंसेंट ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 252 में कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से यह अनुरोध करें
कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बना विधि का निर्माण करे, अगर संसद से आग्रह कर रहे हैं दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि को कोई अन्य राज्य भी विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित करके अडॉप्ट कर सकता है, अंगीकृत कर सकता है। इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर पारित कानून को संशोधित या निरसित करने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रवर्तन के बाद अब तक केवल दो बार राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया गया है। नंबर एक, 5 राज्यों, कौन कौन? मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, 1953 में संपदा शुल्क पर कानून बनाने के लिए कहा, अनुरोध किया संसद से, संसद ने बनाया। फिर बाद में 8 राज्यों, आंध्र प्रदेश, मुंबई, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पेप्सू, सौराष्ट्र द्वारा 1955 में पुरस्कार प्रतियोगिता पर कानून बनाने के लिए कहा संसद से, तो संसद ने कानून बनाया। क्लियर हो गया। अब जो चौथा है, राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति देता है जो संसद को, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार। अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार यानी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट। आर्टिकल 253 के अंतर्गत संसद को अन्य किसी अन्य देश के साथ किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति के ही विधि बनाने की शक्ति है। राज्यों की सहमति नहीं लेनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्या है भाई? ट्रीटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो उसे राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं है। वो कानून क्या कर सकती है? संसद बना सकती है, ठीक है, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। साथ में ये भी लिखना है आपने, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14 में भी विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया। दो चीजें और पढ़नी है आपने, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या पढ़ना है आपने भाई? राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं आप, आर्टिकल 256 लगता है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा यानी प्रोक्लेमेशन द्वारा यह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। क्या बोलता है राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति? कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां किसकी? राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी, आर्टिकल 356। और छठे नंबर पर लिखा हुआ कि अवशिष्ट राज्य क्षेत्र के संबंध में आर्टिकल 246(4) के तहत संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए, किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में ही प्रगणित क्यों ना हो। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका समाप्त होता है क्या? केंद्र राज्य विधायी संबंध। ध्यान रखना, जब आप केंद्र राज्य विधायी संबंध लिख रहे हो, बहुत शॉर्ट कम लिखना होता है, लेकिन लास्ट के जो ये इंपॉर्टेंट बताया मैंने, कौन कौन से? नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल 249, नंबर दो आपातकाल की उद्घोषणा यानी प्रक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी आर्टिकल 250, तीसरा मैंने बताया, 251 को भी जोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन इतनी जगह होती नहीं मेंस में, 250 शब्दों में लिखना होता है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे राज्यों की सहमति, कंसेंट ऑफ स्टेट्स, जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संसद से क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं, यानी आर्टिकल 252। और अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार आर्टिकल 253। थोड़ा अगर जगह मिलती बाद में तो राज्यों में लिखना है इसको, संवैधानिक तंत्र की विफलता और थोड़ा सा अवशिष्ट राज्य क्षेत्र के संबंध में आर्टिकल 246(4), ये जरूर लिखना है। बाकी स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो? थोड़ी बहुत कटिंग कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये अपने आप में 16 नंबर देगा आपको मेंस में। कितने? प्री में हो सकता है कि एक ही नंबर मिले। कितना? प्री में खाली इतना ही पूछ सकता है, केंद्र राज्य संबंध कहाँ है? आपसे संविधान के भाग 11 में है। बोले केंद्र राज्य विधायी संबंध का है, आप बोलेंगे संविधान के भाग 11 के आर्टिकल 245 से 255 के बीच में। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बंद कहाँ किया गया है, आप बोलेंगे आर्टिकल 248 में। ये प्री के क्वेश्चन होते हैं इसे, बट प्री से
आपको पता है कि वनडे निकाले जा सकते हैं, बड़े एग्जाम नहीं निकाले जा सकते, आपको मेंस की तरह ही तैयार करना है आपको, ठीक है, इतना काफ़ी है।